माया मैनू याद याद कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो ये इतने जल्दी बनती है और इतने मज़े की होती है। सबसे पहले मैं आपको ये पहले बता दूँ कि ये मैं लेकर आई थी और आज मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू भी दे देती हूँ, इसको ख़ुद भी जो है ना वो ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि कैसे बनते हैं। एक्चुअली मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मुझे मेरी कुछ सिस्टर्स ने भी बताया था कि बहुत अच्छे हैं ये। तो मैंने कहा चलो जी ट्राई करती हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसे इनका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं एयर फ्रायर में इनको रख रही हूँ। अच्छा वैसे ये है कि ये पैन में भी बन जाते हैं, फ्राइंग पैन में भी बन जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं एयर फ्रायर में इस तरह की चीज़ें बना लूँ। तो कम ऑयल के साथ या बग़ैर ऑयल के साथ जो है वो ये ईज़िली बन जाती हैं और अच्छी भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं। तो मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, मैंने एयर फ्रायर में रख दिया। और यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं कि आज ना थोड़ी सी मैं डाउन हुई हुई थी तबीयत की वजह से, थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा सा खाना बनाते हैं और मूड अपना भी अच्छा करते हैं, हस्बैंड का भी अच्छा करते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने काम स्टार्ट किया तो उस्मान भी आ गए मेरे साथ और यहाँ पर उन्होंने कहा कि चलो मैं भी साथ साथ कराता हूँ। तो मैंने कहा चले आप भी देख लें, कभी आपको भी बनाना पड़ जाए तो आप भी सीख लें आज ये रेसिपी। तो सबसे पहले ना मैंने थोड़े से जो पास्ता, आप किसी भी टाइप का ले लें, मेरे पास घर में यही रखा हुआ था तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक डाला और पानी में जो है वो ये मैंने पकने के लिए रख दिया है। अच्छा ये तकरीबन 6 से 8 मिनट में ना बिल्कुल सही रेडी हो जाता है। और वैसे भी इसको फुल कुकड ही करना है, आलमोस्ट फुली इनको पकाना है। तो वहाँ पे वो रख दिया है और यहाँ पे उस्मान जो है ना वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया तबीयत थोड़ी सी मेरी ज़रा ठीक नहीं थी, डाउन थी। तो उन्होंने कहा चलो इकट्ठे मिल के कुकिंग करते हैं और इस तरह से यह है कि आराम से और जल्दी ज़रा काम हो जाएगा। तो ये जो है ना मैंने रखे थे तो मैं इनको अभी साइड चेंज करके देख रही थी यहाँ पे। और उस्मान जो है ना उनको मैं कह रही थी आपकी हाइट इतनी ऊँची है, थोड़ा सा इसको नीचे करें ताकि मैं इसको चेंज कर लूँ। एक्चुअली वो चेंज करते हुए ना गर्म काफ़ी था तो वो ज़रा डर रहे थे। तो मैंने कहा चलें इधर दे, मैं जल्दी जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। माया मैनू याद याद कर दे, दिल नाल प्यार प्यार कर दे। तो यहाँ पे उस्मान मुझे एंटरटेन भी कर रहे थे, मैं उनके गाने भी इंजॉय कर रही थी, सॉन्ग्स जो है वो सुना रहे थे। तो बस हम बातें कर रहे थे, उनको मैं बता रही थी कि देखें मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो कितना फ़ायदा हो जाता है, एफ़र्ट कितनी कम हो जाती है, टाइम कितना कम जो है ना वो लगता है। तो यही अभी मैं उनको साथ साथ बता रही थी। अच्छा तो मैंने ये यहाँ पे चॉप कर लिए हैं तीनों शिमला मिर्च, जो कि मैं पैक लेकर आती हूँ तो ये बड़ा अच्छा रहता है। और मज़े की बात यह है कि पहले उस्मान ना इतने शौक़ से ही नहीं खाते थे, तो इसलिए मैं कभी भी कीमा, शिमला मिर्च और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में नहीं खाई जाती हैं। मुझे अच्छी लगती हैं पर्सनली क्योंकि मेरी अम्मी के घर जो है वो बनती हैं, लेकिन उस्मान नहीं खाते थे तो मैं नहीं बनाती थी। तो अब वो माशाल्लाह शौक़ से ऐसी चीज़ें खाते हैं तो इसलिए मैं भी बड़े दिल से बनाती हूँ। और अभी मैं वाइट सॉस रेडी करूँगी, वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, साथ साथ चिकन जो है वो भी रेडी हो रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रेसिपी ना मैं आपको हमेशा यही बात शेयर करती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत अपनी चेंजेस करती हूँ, अपने तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उस्मान को कह रही थी थोड़ा सा ऑयल डालें तो वो इतना इतना करके डाल रहे थे। एक्चुअली पीछे ना टीवी चल रहा था और मैंने उस वक्त नोट नहीं किया क्योंकि मैं रेसिपी तो रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो टीवी चल रहा था इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं आपको सुनाती, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो फ़ौरन कॉपीराइट जो है ना वो क्लेम्स आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत केयर करनी होती है। मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पका रही हूँ यहाँ पर, मैं क्या उस्मान जो है ना वो पका रहे हैं और मैं साथ साथ ना एक्चुअली बर्तन वॉश कर रही थी, किचन सारा साफ़ कर रही थी, तो ये काम फिर उस्मान कर रहे थे मेरे साथ। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा यहाँ पे भूनना है, पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया। अच्छा अगर आपके पास क्रीम है आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मेरे पास घर में नहीं होती और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत अच्छा बनता है। अच्छा यहाँ पे ना मैं उस्मान को कह रही थी ज़रा तेज़ तेज़ चम्मच चलाएं और वो डर रहे थे काफ़ी, उन्होंने गिराया भी, अभी आप देखिएगा। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वो भी इंजॉय कर रहे थे मेरे साथ कुकिंग, और चूल्हा तो साफ़ हो जाता है कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि मिलजुल के काम अच्छे तरीके से अच्छे मूड के साथ हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैंने पकाया, उसके बाद मैंने नमक डाला, ओरिगानो डाला, काली मिर्चें डाली, और यहाँ पे ये देखें ये गिर गया, मेरा वाइट सॉस जो है ना थोड़ा सा गिर गया था। खैर कोई मसला नहीं है, साफ़ हो जाता है, लेकिन जो मोमेंट्स होते हैं और मिल के कुकिंग की जाती है ना उसका मज़े ही अपना होता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक प्रॉब्लम क्या हो गया था। यहाँ पे मैं चीज़ डाल रही हूँ, एक्चुअली इसको पकाते हुए ना बहुत तेज़ तेज़ स्पून चलाना होता है, अदरवाइज इसमें गुठलियाँ सी मतलब लम्स से बन जाते हैं। तो मैं उस्मान को कह रही थी तेज़ चलाएं, और तेज़ चलाने में उनसे थोड़ा सा गिर भी गया था, लेकिन खैर हर चीज़ का हल होता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, वैसे सही बना था, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ना ये स्मूद हो क्रीमी सा हो तभी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी इसमें गुठलियाँ सी बन जाए या इस तरह से हो फिर मज़ा नहीं आता। तो काली मिर्चें मैंने डाल दी हैं, ये मैंने अभी एंड में डाली हैं, और मैंने पिसी हुई भी डाली थी, कुटी हुई भी डाली थी, दोनों काली मिर्चें डाली थी। तो ये बहुत से तरीक़ों से वाइट सॉस पास्ता बनता है, वाइट सॉस जो है बेसिकली तो यही होता है, तो ये बहुत से तरीक़ों से बनता है, लेकिन मैं किस तरह बनाती हूँ, और बहुत ही ईजी होता है ये, कोई टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं चिकन, आप अगर आपके पास ये नहीं है फ्रोज़न, आप कोई भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, इवन घर में नगेट्स हैं आप उसके साथ भी बना सकते हैं, या आप घर में चिकन को मैरिनेट करके आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, आप उसको बेक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है ना वाइट सॉस पास्ता का जो मज़ा आता है, वाइट सॉस का जो मज़ा आता है ना चीज़ी सा, बस वो तो मतलब कमाल लगता है, और ये हम दोनों का मोस्ट फेवरेट है। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, आपको पता है ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं वहाँ पे, और काफ़ी पैसे वैसे भी लग जाते हैं, तो कभी कभी तो चलता है, लेकिन ज़्यादातर घर में अगर आप बना लें तो आप ज़्यादा सा बना के ज़्यादा सा इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी ये देखें, ये मैं उस्मान को साथ साथ बता रही थी कि ये देखें अगर कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ब्लेंडर चला लें, इसके अंदर ब्लेंडर यूज़ कर लें, तो बिल्कुल ही क्रीमी और फिट वाला जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये साथ साथ मैं उनको भी बता रही थी, और ये एक टिप भी है, अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है। तो आप भी अगर ब्लेंडर है तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, तो ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे चीज़ मेरे पास मोज़रेला भी नहीं थी, चेडर चीज़ थी तो मैंने वही डाल दिया, मोज़रेला हो तो फिर वो भी यह है कि अच्छी लगती है, आप दोनों चीज़ डाल सकते हैं। मैंने चेडर डाली है क्योंकि मेरे पास घर में अभी वही रखी हुई थी। बस जी ये रेडी हो गया है, और ये अगर आपने इसको वैसे यूज़ करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको थिक भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे ही रखना है। लेकिन मैं अभी इसमें जो पास्ता मैं बॉयल कर रही हूँ वो मैं डालूँगी, मैक्रोनीज वगैरह आप इसमें डाल दें, कोई भी आपके पास रखी हुई है तो वो मैं भी डालूँगी, इसलिए मैंने इसको बहुत गाढ़ा नहीं किया, लेकिन ये फुली कुकड है, फुली ये पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जो मैंने शिमला मिर्चें काट के रखी थी। अच्छा ये जो है ना ये आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची हो ना तभी अच्छी लगती है। तो आप देखिए मैंने एंड पे इनको डाला है, और बस उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी ताकि टेस्ट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी काली मिर्चें और डाल दूँ, तो थोड़ी सी मैंने और डाल दी थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी सी कम है। बस जी अब मैंने इसमें पास्ता डाल दिया और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और आप देखें कितने मज़े की जो है वो रेडी हो गई हैं। उस्मान भी अभी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको वाइट सॉस और इस तरह की चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि अच्छा ऐसे बन जाता है, इतने जल्दी बन जाता है। मैंने कहा हाँ जब देख लें सीख लें तो नेक्स्ट टाइम आप जो है ना वो फिर मेरे लिए बनाइएगा। चिकन यहाँ पे रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से सर्व किया था। तो ये है कि बस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे पीस भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से सर्व किया था क्योंकि ये बड़े अच्छे लगते हैं, देखने में बड़े जो है ना वो अपीलिंग होते हैं और बड़े अट्रैक्ट करते हैं। प्लेट में मैंने जो है वो ये अभी निकाला है, और आप देखें ये थोड़ी देर के बाद ना थिक होता जाता है क्योंकि इसमें मैदा भी है, क्रीम भी है, तो इसलिए ये आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा, थिक मत रखिएगा। तो चिकन मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया, और इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो वाइट तिल होते हैं वो डाल दिए हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखें तो वो भी इस तरह से सर्व करते हैं। थोड़ा सा मैंने वाइट सॉस इसके ऊपर डाल दिया है ताकि ये देखने में ज़रा ज़्यादा अच्छा लगे, और ये है कि ये माशाल्लाह इतना हैवी होता है, इतना अच्छा लगता है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की चीज़ें सिर्फ देखने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन बनने में ना कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो यह है इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमने तो बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर बनाएं, इन्जॉय करें, स्पेशली आप अगर पास्ता लवर हैं, वाइट सॉस लवर हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।